का अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज शाम को आप लोग पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक सटल तरीके से किस प्रकार से दिल्ली सरकार को एक्सपोज किया जा सकता है, उस दस्तावेज के साथ हम बैठे हैं। क्योंकि जिस दस्तावेज का भी मैं खुलासा करने वाला हूँ, ये दस्तावेज भी दिल्ली सरकार का ही है। और इस दस्तावेज अर्थात इस चिट्ठी के अंदर जो लिखा हुआ है, वो वही लिखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार से बारंबार कई वर्षों से सवाल पूछ रही थी। आप सबको पता होगा कि दिल्ली सरकार की जो स्कूल की परिस्थिति है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी जो तिगड़ी है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट किया कि पूरे विश्व में जो स्कूलिंग सिस्टम है, इसको बदल करके हमने रख दिया है। हमने बहुत काम किया है स्कूल्स के लिए। वी हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द स्कूलिंग सिस्टम एंड द एजुकेशन ऑफ दिल्ली। दिस वॉज द प्रपोजिशन, दिस वॉज द एडवर्टाइजमेंट, दिस वॉज द प्रोपेगेंडा दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल मूव्ड अलॉन्ग विथ। बट अभी जो मैं चिट्ठी दिखाने वाला हूँ, इस चिट्ठी को आप ध्यान से देखें। यह चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन लैंड एंड एस्टेट ब्रांच लखनऊ रोड दिल्ली 54, अर्थात यह एजुकेशन का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ही इस चिट्ठी को लिखा है। मनीष सिसोदिया जी के विभाग ने इस चिट्ठी को लिखा है। और इस चिट्ठी को संबोधित किया जाता है टू द चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी एमएसओ बिल्डिंग आईपी एस्टेट न्यू दिल्ली। और सब्जेक्ट क्या है यह जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी का सब्जेक्ट है कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू प्रायोरिटी टू ऑफ डिफरेंट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD। और इसमें जो चिट्ठी का मैं अंश आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार खुद दिल्ली सरकार मान रही है कि क्या कंप्लेंट्स उनके स्कूल में है। और यह चिट्ठी एजुकेशन विभाग द्वारा लिखा गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि एज एजुकेशन इज द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम विद ऑल द फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, हाइजीनिक एंड congenial atmosphere for better quality education, a number of complaints have been received from various schools regarding non-completion of work, use of low quality material, various deficiencies in the construction of PWD. These shortcomings hamper the very purpose of the Directorate of Education. List of complaints received is attached in Annexer A and B. Due to the above mentioned complaints, running of the schools has been very difficult and it poses threat to the students and the staff and the property of the schools also. Section officer, land and estate. अब हम देखते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी फहरिस्त दी है 15 से अधिक स्कूलों की कि इन स्कूलों में क्या क्या गड़बड़ है और किस प्रकार से ये गड़बड़ी जो है ये अभिभावक, स्कूल के बच्चे और उनके स्टाफ को इफेक्ट कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं। यहां स्कूल का नाम है GBSSS के ब्लॉक जहांगीरपुरी। स्कूल आईडी दिया हुआ है, बिल्डिंग का आईडी भी लिखा हुआ है। डिटेल क्या है कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, और जो फाइल है उस फाइल का नंबर भी दिया गया है। तो आप सोचिए, यहां पर आप देख सकते हैं इट इज रिगार्डिंग करप्शन। करप्शन हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क में, बड़े स्पष्टता के साथ ये बताया गया है। नंबर दो पे है सकरपुर में एक स्कूल का नाम है, और जो डिटेल है उसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द पुअर बिल्डिंग इमीडिएटली एज द बिल्डिंग इज इन वेरी डेंजर कंडक्शन। लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द स्कूल, अ लेटर डेटेड 9/3/2022 टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सेंट बाय द स्कूल कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और ये बिल्डिंग जो है ये बहुत ही खस्ता हालत में है, तो तुरंत इसको आप देखें। SVK एंड्रयूज गंज, स्कूल आईडी इत्यादि लिखा हुआ है। डेफिशिएंसी इन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्कूल वर्क, उसमें डेफिशिएंसी है जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया। एक और स्कूल का उसमें है
intimation regarding issue of shortcomings to the building pertaining to fire safety in the month of January 2022. ठीक उसी प्रकार एक स्कूल में वाटर रिजर्व नहीं है, दूसरे स्कूल में RWHS वर्क यूजिंग लो क्वालिटी मटेरियल. आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल जहांगीरपुरी में लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है. अशोकनगर के स्कूल में वर्क नॉट स्टार्टेड फॉर रिप्लेसिंग ऑफ डैमेज GI सीट विद GI प्रोफाइल सीट. आप तमाम इन कंप्लेंट्स को देख सकते हैं. कई जगह लिखा हुआ है कि करप्शन हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है कि कंप्लेंट इस बात को लेकर है कि जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उस मटेरियल में कहीं ना कहीं खोट है. तो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 स्कूलों का कंप्लेंट, एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसमें अगर 20 स्कूल के अंदर करप्शन होता है, इनकम्प्लीट वर्क होता है, तो स्वाभाविक रूप से यह चिंता का विषय है. लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ प्रायोरिटी 2, यहां आप देख सकते हैं लीकेज, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, लाइट फिटिंग इनकम्प्लीट, वाटर वर्क इनकम्प्लीट, टाइल यूरिनल नॉट कम्प्लीट, इनकम्प्लीट विंडो ग्लासेस इत्यादि, सीपेज, द बिल्डिंग नॉट ऑफ क्वालिटी, करप्शन. करप्शन वर्ड का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है इस चिट्ठी में? आज हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. सवाल नंबर 1, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन दिल्ली, करप्शन फ्री सिस्टम इन एजुकेशन, बट दे देमसेल्स राइटिंग लेटर, खुद चिट्ठी लिख रहे हैं कि करप्शन बहुत जगह है और रैम्पेंट है. भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्येंद्र जैन के खिलाफ, सत्येंद्र जैन PWD डिपार्टमेंट भी संभालते थे, ये पूरी की पूरी चिट्ठी PWD डिपार्टमेंट को संबोधित किया गया है कि किस प्रकार PWD डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, किस प्रकार लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग स्कूल्स की बनाई जा रही है. आप सोचिए, यहां तक कि बच्चों और स्टाफ की जिंदगी खतरे में है, यह तक लिखा हुआ है, इस प्रकार की बिल्डिंगें बनाई गई. और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी को, कि सत्येंद्र जैन जी इज नॉट करप्ट. ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे थे. चिट्ठी आपने खुद लिखा है. और मुझे आश्चर्य होता है कि इतने दिनों तक, इतने महीनों तक भारतीय जनता पार्टी ने यही आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल और उनके सिस्टम के ऊपर कि जो स्कूल्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग इनकम्प्लीट है. और आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात तो कर रहे हैं, मगर दरअसल खस्ता हालत में स्कूल की बिल्डिंग है, जो आज इस चिट्ठी से पूरे दिल्ली के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने सही रूप में आज सच्चाई सामने आई है. एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा, शुड नेवर बी अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा. इट इज नॉट जस्ट एन इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी सेक्टर और वहां प्रायोरिटी के साथ काम करने की आवश्यकता है. जिस प्रकार से करप्शन और सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इसका जवाब दें. बहुत बहुत धन्यवाद.